दोस्तों स्वागत है आप सबका छोटा रामायण के एक और नई वीडियो में। भाई आज जो है ना जितनी खुशी हो रही है ना मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आपको जो है भाई बहुत यूनिक चीज़ हम दिखाने वाले हैं। आप हमारी बैक साइड में देखो यार, आपने इससे पहले जो है ना भाई नैनो कार को जो है इस तरीके के जो है ना अवतार में ऐसे लुक में नहीं देखा होगा भाई। अरे बहुत बढ़िया चलता फिरता भाई साहब आइसक्रीम पार्लर है भाई। नैनो कार का ऐसा लुक बहुत ही शानदार लग रहा है यार। भाई दोस्तों आपको जो है ना यार ये आइसक्रीम पार्लर जो हमने ढूंढा है नैनो कार वाला, आपको इसकी लोकेशन बता देते हैं। सबसे पहले मेरे राइट साइड की जो है ना भाई वो है द्वारका सेक्टर 12, और अगर आप लेफ्ट साइड की ओर देखोगे ना भाई तो द्वारका सेक्टर 4 की मार्केट है, और सामने जो है ना भाई बस स्टॉप के बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ भाई पंकज इस तरफ में ये है जी भैया की नैनो कार, जो बिल्कुल आइसक्रीम पार्लर की तरह बनी हुई है। आइसक्रीम का ऑर्डर करेंगे, आपको अंदर से सेटअप दिखाएंगे और ऑनर से भी बात करेंगे, भाई इतना बढ़िया यूनिक आइडिया उनको आया कहाँ से, आ जाओ भाई। तो ये दोस्तों मैं हूँ भाई इस वक्त अनुज भाई के साथ, जिन्होंने 4 साल पहले जो है ना भाई ये इतना बढ़िया यूनिक सेटअप जो है ना तैयार किया। भाई ये आइडिया कहाँ से आया यार? सर मुझे एक सर ने बताया था ऐसा करने के लिए। बहुत बढ़िया भाई। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन अगर बताना चाहो तो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आया इस तरीके से पूरी कार को तैयार करने में? सर 2 लाख। 2 लाख रुपए लग गए? हाँ, इसके ऊपर नैनो खरीदने के बाद भी? हाँ। या नैनो के इसके अंदर? मैंने सेकंड हैंड कार ली थी, नैनो सेकंड हैंड कार ली थी। अच्छा। उसमें सारा सेटअप बनाना है मुझे, 2 लाख रुपए का खर्चा। कार समेत या कार के अलावा? नहीं कार समेत। कार समेत। और अगर ये वीडियो देख के भाई तुम्हारे पास कोई आता है कि भाई हमारी भी तैयार करवा दो, तो पैसे ऐसे लेके या किसी तरीके से उनकी भी बनवा दोगे गाड़ी ऐसी? सर हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा ना। हो जाएगा। तो भाई अगर आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया लगता है तो भाई अनुज भाई कह रहे हैं यार कि वो आपको जो है ना पूरी हेल्प करेंगे। बाकी अंदर से अपन का सेटअप दिखाते हैं यार, एक मिनट इधर आ भाई। ये देख भाई आइसक्रीम्स देख क्या जबरदस्त है ये सारी की सारी, है ना। ये भाई सारे रेट इन्होंने मेंशन कर रखे हैं। भाई ये देखो यार, आपने इन्होंने बैक साइड में जो है ना ऐसे डीप फ्रीजर लगा रखा है, और अंदर भाई पड़िए दबा के खूब सारी आइसक्रीम। भाई ये देखो, मतलब इनके पास यार मेरे ख्याल से ये जो प्लास्टिक के जो डब्बे पड़े हुए ना ये मतलब पैकिंग में भी बेचते हैं पंकज, है ना। तो भाई अब अपनी आइसक्रीम लगाते हैं यार, मुझे तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही कमाल का लगा है भाई। नहीं नहीं ये कौन सी बना रहे हो भैया जी? ये सर आपका क्रेडियन संडे बन रहा है। ठीक है जी। और इसका क्या प्राइस होगा भैया? सर ये 160 का है। 160 का है जी। ठीक है जी। ये तो आ गए चोको चिप्स, और आपने फ्रूट डाल दिया है। हाँ चलो ठीक है। अब ये क्या डाल रहे हो? ये सिरप होते हैं। सिरप है? ठीक है ठीक है जी। और ये आ गया जी ये चॉकलेट सिरप। ओके ओके भैया आप देखो यार, आप देखो भैया दूसरी साइड से गए भाई, अब यहाँ से डलेगी जी हमारी आइसक्रीम। और कौन कौन सी डाल रहे हो भैया ये भी बता देना यार। इसमें एक अमेरिकन नट्स, एक अमेरिकन नट्स आएगी जी, और एक टूटी फ्रूटी, एक आएगी जी इसमें टूटी फ्रूटी, एक चोको चिप, एक चोको चिप। ठीक है तो इसमें 3 स्कूप डालेंगे। यस। यार कलरफुल कितने लग रहे होंगे, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और अभी तो भाई एक ही स्कूप डाला है, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 के आसपास तो मैं मानूंगा कि डल रहा है ना। बहुत बढ़िया। और मैंने एक चीज़ नोट करी है भाई कि जो भी आ रहा बंदा अगर कोई कह रहा है कि भाई एक्स्ट्रा सिरप डाल दो या कोई चीज़ डाल दो, भाई भैया डाल देते हैं। अब डलेगा जी 3रा स्कूप, वो दूसरी साइड से है। ये आ गए जी भैया दूसरी साइड से एंट्री हो गई है। थर्ड कौन सी बताई थी पंकज भैया ने? टूटी फ्रूटी। ठीक है जी। क्या बात है यार, इसका प्राइस है भाई सिर्फ 160 रुपये। और आप देखो यार जो इन्होंने छोटी सी बोर्ड जो है ना शानदार तैयार कर दी पंकज, इधर से देख भाई अब है कि नहीं बढ़िया। और अभी तो भाई इसके ऊपर सजावट होनी है। ये आ गए जी इसके ऊपर, फिर दोबारा ऊपर से फ्रूट डल गया जी। अब क्या डाल रहे भाई? चोको चिप्स। ठीक है कोई बात नहीं भाई। इसमें ब्राउनी भी डालते हो, मतलब अभी ख़त्म है? कोई बात नहीं है। ये आ गए भाई वाइट वाले चोको चिप्स, वाइट चॉकलेट है। और ये आ गए जी सिरप। अरे वाह भाई यार क्या गर्मा गर्म है भाई, शानदार भाई साहब। अब आप बताओ यार क्या शानदार चीज़ है, 160 रुपये में अगर आपको जो है अपने भाई लोकल्स में इतनी बढ़िया चीज़ मिल रही है। क्यों पंकज? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया भाई। और अभी और भी कुछ बाकी है भाई?
अभी भी बाकी है। ये क्या डाल रहे हो? नट्स डाल रहे हो। सजावट देखते जाओ भाई आप लोग। ये आ गया जी सौंफ। स्प्रिंकल्स हैं यार, मेरे को ऐसे लगा जैसे सौंफ की तरह होते ना। मैं भाई इस मामले में थोड़ा सा अनाड़ी हूँ। और ये आ गया जी छोटी सी छतरी। और ये आ गया भाई हमारा चम्मच। अब इसको टेस्ट करते हैं भाई और आपको बताते हैं। स्वाद तो होगा ही बढ़िया भाई, लुक देखने वाली चीज़ है भाई। दोस्तों दो संडे हमने ले लिया भाई। एक है हमारा मेक योर ओन संडे और इसका पंकज प्राइस है भाई 150 रुपये, 160 रुपये। इसका प्राइस है 160 रुपये, जिसमें 3 स्कूप आइसक्रीम है, बड़े वाले। बड़े वाले भाई, हाँ। डेढ़ बार डाली है, मतलब एक स्कूप जो है एक फुल है और एक हाफ है। फ्रूट है, क्रश है और उसके ऊपर काफ़ी सारी टॉपिंग है, जैसे चोको चिप वगैरह हो गई, नट्स हो गए, बहुत चीज़ें हैं। और भाई ये हमने लिया है भाई 100 रुपये का। ये है भाई फ्रूट संडे और इसकी भी लुक देखो यार, क्या शानदार है। मतलब ये आप ऐसे ग्लास में भी ले सकते हो और बोट में जाओ तो बोट में भी ले सकते हो। और पंगा इससे पहले भाई ये मेल्ट हो जाए, टेस्ट करते हैं भाई। भाई एक बात मैं यहाँ पे आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि जब इस तरीके का कुछ यूनिक कंटेंट दिखता है ना, मतलब कुछ बढ़िया होते हुए दिखता है, तो भाई पंगा दिल को बहुत खुशी होती है यार। तो फटाफट इतनी दूर से शूट करने आ गए। बिल्कुल भाई, ऐसा कॉन्सेप्ट जो है ना मैंने इससे पहले नहीं देखा। अगर आपने कहीं देखा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे हाथ में जो है भाई ये है फ्रूट संडे 100 रुपये का। इसको टेस्ट करते हैं भाई, बहुत बढ़िया। और भाई आज तो ना मज़ा आ गया, वर्थ है भाई। यहाँ पे एक बात जो है ना, मतलब मैं तारीफ करना चाहूँगा, भाई ने जो संडे बना कर दिया है ना, अल्टीमेट है। मतलब जो मार्क्स आप देना चाहते हो ना, 100 में से 100, हज़ार में से हज़ार भाई। सही बात है, इतना बढ़िया है, मज़ा आ गया खा के। इसकी कॉस्ट है 160 रुपये। इसका नाम है क्रिएट योर ओन संडे, मतलब दो जने शेयरिंग में भी बड़े मज़े से खा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है भाई। एक चीज़ सबसे अच्छी, कई लोग कह रहे हैं ये चॉकलेट थोड़ी ज़्यादा डाल देना या नट्स थोड़े ऊपर एक्स्ट्रा कर देना, तो भैया उसकी कॉस्ट एक्स्ट्रा नहीं ले रहे। बिल्कुल नहीं ले रहे भाई, उसमें डाल रहे हैं। मतलब पिछले 4 साल से जो कस्टमर बने हुए हैं ना, भैया कह रहे हैं कि वो कस्टमर रेगुलर आज तक आ रहे हैं भाई। बोलूँ क्या, मेरा तो बोलने का मन ही नहीं कर रहा, सही बता रहा हूँ, इतनी स्वाद है। बाकी टाइमिंग बता दे भाई। भाई टाइमिंग है यहाँ की 7 बजे से भैया 1 बजे तक खड़े होते हैं शाम को। बाकी आजकल लॉकडाउन की वजह से 10-10:30 बजे के करीब चले जाते हैं। बिल्कुल। बाकी भाई अगर जो आप दूर से कहीं से आ रहे हो ना, तो भैया का नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गूगल मैप लिंक मिल जाएगा, तो कॉल करके ही आना भैया। बिल्कुल। बाकी इस वीडियो को दोस्तों यहीं पे एंड करते हैं भाई। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने इससे पहले इस तरीके की नैनो कार देखी है या नहीं देखी है। और अगर कहीं देखी है तो भाई वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताना। या कोई और इनोवेटिव आइडिया देखा हो दिल्ली NCR में, तो हम वो भी कवर करने जरूर जाएंगे। बिल्कुल भाई, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।